कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा से। कर्नाटक से? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं। गुवाहाटी से। चल भी खींच ली ना, आ गई फोटो। ये आपकी पर्सनल इनकम रहती है या गवर्नमेंट को भी जाता है? 3-4 यानी 7,000 रुपए लेंगे। सुबह सुबह यहाँ पे श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं और पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। और मौसम की अगर बात करूँ तो आज पहाड़ों में धूप निकल करके आ रही है, यानी कल का जैसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। और आज मैं यही यमुनोत्री में हूँ। कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सप्तऋषि कुंड जाने का प्लान यदि बन जाएगा तो जाएंगे। एक्चुअली आज का नहीं बन रहा है, वो हमें गाइड अपने साथ लेकर के जाना पड़ता है, तो इसलिए कल का प्लान बन पा रहा है। तो कल सप्तऋषि कुंड जाएंगे। आज मैं आज के इस वाले ब्लॉग में पूरे यमुनोत्री धाम के और आपको दर्शन कराऊंगा और कई सारे श्रद्धालुओं से बात करूंगा और साथ में यहाँ पे और क्या क्या रहस्य हैं वो सभी आप तक पहुँचाऊंगा। तो दोस्तों आइए आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। और जो भी जानकारी मैं आपको कल वाले व्लॉग में नहीं दे पाया, आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे ही दूंगा। आइए दिन की शुरुआत माता के दर्शन के साथ करते हैं। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और मुझे देख करके आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि ठंड कितनी हो रही है। मैं हाथ हूँ और देखो ऐसी जगह ठंड कहाँ से होगी बताओ, सब नेचुरल है। हर हर गंगे। तो भाई अभी एनर्जी कम लग रही है, जोश कम है, तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। और इस साइड आप देख सकते हैं, मतलब जो श्रद्धालु है ना सुबह सुबह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये पुरुष स्नान कुंड है और ये महिला स्नान कुंड यहाँ से अंदर। तो यहाँ से देखो भैया ऐसा लग रहा है नीचे आग जला रखी है ना, कितना भाव उड़ करके आ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा से। यमुनोत्री कब पहुँचे आप? कल आए और रात्रि विश्राम यहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। और कैसा लग रहा है आपको यमुनोत्री? बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना ये जो अमेजिंग प्राकृतिक ऐसा पानी कभी आपने कहीं देखा? नहीं, देखा नहीं। पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देखे हो, पानी भी अच्छा है। हाँ, माँ का मंदिर भी अच्छा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आप पूरे चार धाम यात्रा में होंगे? ठीक है, आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, आप लोग साथ में ही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप भी उड़ीसा से हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ ही आए होंगे? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। धीरे धीरे धूप तो नीचे उतर चुकी है, लेकिन पहाड़ों में देखोगे बादल लग चुके हैं। और अभी पता चल रहा है यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। चारों तरफ यहाँ देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, और इधर भी देखो, क्योंकि यही समय रहता है अधिक श्रद्धालुओं का यहाँ पे पहुँचने का। कोई पूजा पाठ यहाँ करवाते हैं, ज़्यादा भीड़ हो जाने पर लोग साइड में बैठ करके भी पूजा पाठ करवा रहे हैं। एक्चुअली अभी आप देख रहे थे ना, थोड़ी देर पहले धूप आ रखी थी एंड उसके बाद मैं खाना खाने के लिए जैसे ही गया ना, और अभी बाहर आया और देखा हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लग गई हैं। एंड मौसम ना यहाँ पे कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। आप देख सकते हैं हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और बारिश भी हो रही है। ठीक है, और इस साइड देखो सब लोग फिर अंदर चले गए हैं। देखो कितने सारे कौवे, मुझे सच में गाइस ना आज यहाँ पर कौवे देखने को मिले। एक्चुअली हमारे ननिहाल में बहुत सारे कौवे होते थे एक समय में, लेकिन अब तो वहाँ पर भी कौवे नहीं दिखते हैं और आज यहाँ पर दिखे हैं बहुत सारे कौवे। नीचे भीड़ देखिए अभी कितनी ज़्यादा भीड़, ओ बापरे। अब बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, जैसा कि थोड़ा बहुत चलो उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी यात्रा कैसी चल रही है। हेलो भैया, कैसे हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से हैं? कर्नाटक से। अच्छा, और कैसी चल रही है आपकी यात्रा? अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपकी पहली यात्रा होगी चार धाम? तो इसके बाद आप गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाओगे। तो आपको रोड से यहाँ आने तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अच्छा, पैदल आए आप या घोड़े में या पल? पैदल आए, अरे वाह क्या बात है यार। अच्छा, जोर जोर से पैदल आए तो पूरा देख लेते आ सकते हैं आराम से। हाँ जी, पैदल आने का बहुत अच्छा है। अच्छा, पैदल आया तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत से पहाड़ और यहाँ पे जो पहला धाम यानी यमुनोत्री धाम जो बस
स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत देश है, इसके बारे में बोलने को कोई शब्द ही नहीं है, शब्द नहीं है। अच्छा, आपने ये प्लान पहले से बना रखा था या सडनली आपका प्लान बन गया चार धाम यात्रा का? सडनली है, बन गया 15 दिन के फिलहाल। अरे अरे, देखो ऊपर वाले की कितनी बड़ी महिमा है, कृपा है, ऐसे ही आप लोगों पर कृपा हमेशा बनी रहे। ठीक है, आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। कुछ भक्तजन और मिल गए, फिर सेल्फी खींच रहे, सेल्फी खींच ली ना, आ गई फोटो। आप लोग कहाँ से? वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप दोनों हैं या ग्रुप में? पेरेंट्स भी आए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों की पूरी चारधाम यात्रा होगी आई थिंक? नहीं नहीं, ये शुरुआत है। ये नहीं, इसके बाद तो जाएंगे आप पूरे चारधाम? अच्छा अच्छा, तो यहाँ इन पहाड़ों में आकर के, यानी पहले धाम आकर के आपको कैसा लग रहा है सबसे पहले तो अनुभव से? यात्रा बहुत भयानक था, मतलब बहुत खतरनाक था ना। अच्छा, आप लोग पैदल वॉक करके आए या? अरे वाह, गुड, नाइस नाइस नाइस। अच्छा, जो यहाँ पे आपने अभी देखा होगा सूर्य कुंड और नीचे तप्त कुंड है, इधर पार्वती कुंड है जहाँ पे गर्म पानी निकल रहा है पहाड़ों से, आपने ऐसा कभी पहले कहीं देखा था? सब नेचुरल प्राकृतिक, लग रही ना जन्नत की दुनिया वाकई में। राइट राइट राइट, ठीक है, आप लोग इसी तरह अपनी यात्रा सफल बनाइए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। भैया सबसे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट तो यही है, देखो बाहर इतनी तेज की अभी तक बारिश लग रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर, और यहाँ पर देखो बिल्कुल अभी भी वाष्प निकल रहा है, और पत्थर में हाथ लगाऊंगा ना बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। देखो यार वाह, पूरा ये पहाड़ी गर्म है, देखो वहाँ से भी निकल रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर ना नॉइज़ भी ज़्यादा आ रही है, तो चलो थोड़ा बहुत आइट साइड में चलते हैं। यहाँ पर तो ना पूरा खचाखच भरा हुआ है भैया अंदर ना, और बाहर हो रही है बारिश। अब चलते हैं थोड़ा बहुत मार्केट की ओर, और आगे जहाँ से लोग मतलब यहाँ तक पहुँच रहे हैं जैसे पालकी घोड़ा या कंधे में तक भैया ला रहे हैं, तो चलो वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ का व्यू दिखाते हैं, वहाँ की जानकारी जुटाते हैं। ये झाड़ू वाले भैया सबसे पैसे तो मांग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनसे जानकारी लेते हैं कि सरकारी एम्प्लॉय हैं या ऐसे ही। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार बाबू जी, नमस्कार। आप यहीं लोकल से हैं? हाँ सर। अच्छा, तो आप ये अपनी ओर से सेवा करते हैं झाड़ू लगा करके? हाँ। या मतलब गवर्नमेंट की ओर से आपको सैलरी पेड होती है? समिति की ओर से आपको पेड होती है, और ज्यादा जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं आपको सेवा के भाव से अगर दे जाते हैं वो तो ऊपर वाले की। ठीक है ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो ये भैया लोग तीन चार लोग हैं यहाँ पे जो स्वच्छता का काम कर रहे हैं। बंद कर लो यार, बारिश नहीं आ रही यहाँ पे, यहाँ पे बारिश नहीं आ रही, बंद कर लो। भैया को समझ ही नहीं आया। तो ये रही है कि छोटी सी मार्केट जहाँ पे यहाँ पूजा पाठ सामग्री रिलेटेड सारा सामान मिल सकता है, और भी यहाँ पे देखो मिठाई, मैंने आपको कल बताया ना, यहाँ पे देखो भाई गर्मा गर्म जलेबी खा सकते हैं और पकौड़ी खा सकते हैं ऊपर से, और ये बड़े बड़े लड्डू, आई थिंक मेरे हिसाब से नारियल के लड्डू है ना ये, और ये क्या है? चंद्रकला है। क्या है? चंद्रकला। चंद्रकला, इसके अंदर क्या भरा जाता है? काय का? भुजिया का मसाला। अच्छा अच्छा, तो ये भी काफी ज्यादा टेस्ट, ये देसी घी में बनाया जाता है या? अच्छा, अरे वाह क्या बात है, देसी घी के आपको भुजिया भरे हुए ये भी मिलने वाला है, तो और भी बहुत कुछ है फिर यहाँ पे। तो भैया साथ में यहाँ पे यदि आपको भूख लग जाती है तो खाने की भी पूरी सुविधा है। खाना यहाँ पे कितने रुपए थाली मिलता है? 150 रुपए थाली मिलता है, और क्या क्या रहता है थाली में? रोटी दाल चावल सब्जी अचार पराठा। अच्छा, सभी कुछ। अच्छा मतलब सादा मिलता है ना खाना पूरी तरह से। भैया 2000 में पिट्ठुए में बात हो रही थी लेकिन मना कर दिया। ठीक है, एक्चुअली यार देखो बहुत ज्यादा मेहनत है, सच बताओ ना, वहाँ से यहाँ पिट्ठू में यानी पीठ में लाना ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। आराम से माता जी, हाथ पकड़ू, लाइए आराम से। हाँ, कहाँ से हैं आप? गुवाहाटी से। तो आप जाते समय कैसे जाएंगे अभी, घोड़े में या पालकी वालकी में? अरे हाँ, बहुत दिक्कत, या तो आप पिट्ठू ले लो या फिर पालकी।
नहीं पालकी में जाओ सबसे बढ़िया, जिसमें चार लोग ले जाते ना वो कंफर्टेबल ले जाता है। अब खर्चा तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितना खर्चा लगेगा, पालकी नहीं मिलेगा, आज भी मिलेगा मिलेगा। अच्छा तो पिट्ठू ऐसे करके ले जाएंगे माता जी, अभी चल नहीं पा रहे हैं तो उन्हें काफी दिक्कत है। अब देखो पालकी में जाते हैं या किस में जाते हैं, आई डोंट नो। लाइक करो, फॉलो करो जरूर। तो भाई बीच में पता नहीं कहाँ से आ गए। खैर भैया कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हो तो वापस? अच्छा सुबह कर लिया दर्शन? अरे वाह क्या बात है, ठीक है ठीक है। हेलो भैया जी, आप यहीं से हो लोकल से? अच्छा यार मुझे अगर पालकी में यहाँ से नीचे जाना है तो क्या लोगे किराया? तीन चार यानी 7,000 रुपए लेंगे? 4,000। 4,000 4,500। अच्छा एक चीज बताओ, जो लोग जिन लोगों ने नीचे से बुक कर रखी है आप उन्हीं को ले जाएंगे या बुकिंग में आता है? पालकी जो है बुकिंग में ही आती है। अच्छा अच्छा, लगभग कम से कम 4,000 से शुरू है। जाते समय पिट्ठू मिलेगा, तो कहने का मतलब ये है आते समय हमें अगर पालकी बुक करनी है तो जाते समय भी जाएंगे, अगर पालकी में हम आते समय नहीं आते जाते समय हमें पालकी नहीं मिलेगी। ठीक ठीक ठीक। तो गाइस देख सकते हैं लगभग 4,000 से पालकी शुरू है, तो 4,000 से फिर वेट 4,000 से ऊपर 8-10,000 तक भी गया। मतलब वेट देखी ना, वो वेट देख करके उसका दस्तक होगा। हाँ यार बिल्कुल यार, बहुत ज्यादा परिश्रम है, बहुत ज्यादा संघर्ष है, ऐसे रास्ते से ऊपर नीचे ले जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो जैसे तैसे आप लोग पहुँच ही जाएंगे, ठीक है, पालकी या पैदल या आप मतलब कि घोड़े के सहारे। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है रहने की, रहने की व्यवस्था मैं आपको बता देता हूँ। जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है ना यमुना माता का, तो उसके जस्ट बगल में जो ब्लू कलर का मकान दिख रहा है वहाँ पर भी आश्रम है, एक कालिंदी आश्रम ऊपर जो टॉप में दिख रहा है और एक नीचे आश्रम है यमुना आश्रम। तो सभी जगह आपको रहने की और खाने की व्यवस्था बढ़िया तरीके से मिल जाएगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलते चलते मैं अस्तबल एरिया में पहुंच चुका हूं, जहां पे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों घोड़े देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहीं से जो है घोड़े ऊपर नीचे आना जाना करते रहते हैं, ठीक है। अब यहां से जो भी श्रद्धालु घोड़े में बैठना चाहे वो बैठ सकता है। तैयार हो बिल्कुल यात्री को ले जाने के लिए? क्या है मतलब क्या रहता है घोड़े में चार्ज? घोड़े में चार्ज क्या रहता है? 1,500-2,000 आने जाने का, 2,000 रुपये। अच्छा और ज़्यादा फिर वेट के हिसाब से कम ज़्यादा? अच्छा भी नहीं है पर 1,000-1,200। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कोई फिक्स रेट नहीं है? फिक्स रेट नहीं। तो इसमें क्या रहता है, ये आपकी पर्सनल इनकम रहती है या गवर्नमेंट को भी जाता है? अच्छा तो कितना देते हैं पर पर्सन आप गवर्नमेंट को? 100 रुपीज़। अच्छा अच्छा, तो कितने राउंड मार लेते हैं आप ऊपर नीचे? 10 राउंड। कितने मार लेते हैं? एक या दो लग सकते हैं, अधिक से अधिक मेरे हिसाब से, ज्यादा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 2 घंटा आना 2 घंटा या 4 घंटे तो वैसे ही निकल जाते हैं। अच्छा मतलब खींच खांच के 2 राउंड मारने वाला मार सकता है, 2 राउंड नहीं तो एक ही लगेगा। अच्छा और इतने में ही मेरा पूरा दिन निकल चुका है और मैं वापस मंदिर में पहुंच चुका हूं, और यहां पे श्रद्धालु अभी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं और पहाड़ों में फिर से बादल आ चुके हैं। चारों तरफ आप मौसम देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है। आई होप कि कल सुबह तक मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, क्योंकि ना कल हमें काफ़ी लंबी ट्रैकिंग करनी है। मेरी लाइफ की सबसे पहली लंबी ट्रिप होने को जा रही है, जो कि 20 किलोमीटर में हिल स्टेशन पर जाऊंगा टॉप में, जहां पर -degree टेम्परेचर रहता है और ऊपर से वहां पे मुझे पता चला है ऑक्सीजन की भी कमी है। यहां से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो फिर कल सुबह मौसम कैसा रहता है, तो उम्मीद करेंगे मौसम ठीक रहे। मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ 2-3 लोग और भी हैं सप्तऋषि कुंड तक, तो देखते हैं कैसा मौसम रहता है। और आई होप गाइस आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड चैनल पर देना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप मुझे फॉलो कर लेना। कल मिलेंगे सुबह 7:30 बजे, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।